नमस्कार साथियों, आज हम एक व्यक्ति पर चर्चा करने जा रहे हैं और उनका नाम है भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के कद्दावर नेता बीजेपी के, और इन पर कई सारे तथ्य बनते हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भैरव सिंह शेखावत के बारे में अगर जानें कि इनका जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था खाचरियावास नाम का गाँव है जो सीकर जिले में पड़ता है। वर्ष 1923 में आपका जन्म हुआ था और आप देख रहे हैं, इनकी फोटोग्राफ आपके सामने है। तो जन्म हुआ ईस्वी, कहाँ हुआ था, खाचरियावास, और ये खाचरियावास कहाँ पड़ता है, सीकर जिले में। यहां आपका जन्म हुआ और आपको कई सारे उपनामों से जाना जाता है। आपको राजस्थान का बाबोसा कहा जाता है, आपको राजस्थान का प्रथम पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और आपका एक नाम दूसरा रॉकफेलर भी है। तो आपके कई सारे निकनेम हैं, उपनाम है। तो किन किन उपनामों से आपको जाना जाता है? नंबर एक, राजस्थान का बाबूसा, बाबूसा ऑफ राजस्थान, एक नाम तो आपका ये है। एक नाम है आपका राजस्थान का प्रथम पुरुष, राजस्थान का प्रथम पुरुष, और एक नाम है आपका दूसरा रॉकफेलर, दूसरा रॉकफेलर, एक नाम आपका ये। अब अगर बात करें तो बीजेपी के कद्दावर लीडर, ये राजस्थान के तीन बार राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री रहे, और राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री के साथ साथ ये राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे थे। ये 1977 से लेके 1980 तक, 1990 से लेके 1992 तक, और 1993 से लेकर 1998 तक ये तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। ये तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। एक इनका कार्यकाल था 1977 से 1980, 1990 से 1992, 1993 से 1998, 1993 से 1998 तक राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे थे। एक बहुत प्रसिद्ध योजना है जिस योजना का सूत्रपात इन्होंने किया था, जिसके कारण ही इन्हें रॉकफेलर की संज्ञा दी गई थी। उस योजना का नाम था अंत्योदय योजना। अतः अंत्योदय योजना का सूत्रपात किसने किया था? उसके जनक थे भैरव सिंह शेखावत जी। अंत्योदय योजना का सूत्रपात किया था, ये उपराष्ट्रपति भी रहे,
ये देश के 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। वर्ष 2002 से 2007 तक ये देश के 11वें उपराष्ट्रपति रहे और उपराष्ट्रपति बनने वाले ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, राजस्थान के पहले व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बने वो थे भैरव सिंह शेखावत। देश के 11वें उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 2002 से 7 तक रहे थे। उपराष्ट्रपति बनने वाले प्रथम राजस्थानी उपराष्ट्रपति बनने वाले फर्स्ट राजस्थानी यही थे। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, इनकी प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है, लोकतंत्र और आम आदमी, अतः उस किताब के लेखक थे। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, पुस्तक का नाम है लोकतंत्र और आम आदमी। और अगर बात करें कि इनका निधन 2010 में हुआ और इनका समाधि स्थल विद्याधर नगर जयपुर में स्थित है। निधन हुआ 2010, समाधि स्थल है विद्याधर नगर जयपुर में इनका समाधि स्थल है। तो देखा आपने कि इनके बारे में कितने सारे तथ्य बनते हैं। आपने चर्चा की, हमने आज बात की है भैरव सिंह जी के बारे में, और भैरव सिंह जी के बारे में हमने जाना कि भैरव सिंह जी का जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में खाचरियावास सीकर में। इनके कई सारे उपनाम हैं, राजस्थान का बाबूसा, राजस्थान का प्रथम पुरुष और दूसरा रॉकफेलर। उसके बाद आपने देखा कि ये भैरव सिंह जी शेखावत के फोटोग्राफ था। ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, 1977 से 1980 तक, 1990 से 1992 तक और 1993 से 1998 तक। ये राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। और फिर आपने देखा अंत्योदय योजना का सूत्रपात इन्होंने किया था। ये देश के 11वें उपराष्ट्रपति 2002 से 2007 तक रहे थे। उपराष्ट्रपति बनने वाले ये प्रथम राजस्थानी थे और इनकी पुस्तक का नाम है लोकतंत्र और आम आदमी। इनका निधन 2010 में हुआ था और इनका समाधि स्थल हमारे जयपुर में विद्याधर नगर जयपुर में स्थित है। तो इनके बारे में आज आपने चर्चा की। ये हमारी एक किताब है राजस्थान सामान्य ज्ञान की, जो कि मार्केट में सभी बुक स्टॉल्स पे उपलब्ध है। उसमें इसी प्रकार के और भी व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। एक और हमारी किताब है जिसका नाम है राजस्थान की हनुमान चालीसा, आप इसको बोल सकते हैं, तथ्यों की किताब है राजस्थान 7 डेज की, जिसमें भी काफी रोचक और बहुत ही जबरदस्त आंकड़े हमने प्रस्तुत किए हैं। चौहान पब्लिकेशन द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित है। और एक हमारी ऑब्जेक्टिव राजस्थान जीके की किताब है, जिसमें इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, इकोनॉमिक्स, प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य ज्ञान के सभी के ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज प्रश्न दे रखे हैं और सभी आए हुए प्रश्नों को भी इसमें समाहित किया गया है। और इस किताब से आप, ये एक अभ्यास पुस्तिका है, आप अपनी अभ्यास को मजबूत कर सकते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान।
विद्यार्थी हित में एक ऐप हमने तैयार किया है, द्रोण ऐप, जो गूगल प्ले पर जाइए और द्रोण ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़ने का मजा लीजिए। बहुत जबरदस्त अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से इसमें विभिन्न कोर्सेज तैयार किए गए हैं। उसके अलावा अगर आप चौहान पब्लिकेशन की पुस्तकों को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल कीजिए और आप किताब भी प्राप्त घर बैठे कर सकते हैं और पढ़ने का मजा लीजिए। तो आज हमने जानकारी ली भैरव सिंह शेखावत के बारे में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।